तो हम कैंप साइट पे वापस आते हैं, हमारी पूरी टीम बहुत खुश है क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं सेफ फील हो रहा था। तो बताओ हेड ट्रिप लगा के कैसा लगा? मैं बताता हूं, कौन गैंग साड़ी कर दी फ्लाए। तो भाई जैसे हम टास्क करके हम टेंट के अंदर आते हैं, मेरे माइंड के अंदर ये थी कि मैंने कहा आज ये सचिन है ना, ये नहीं छोड़ना। जोगिंदर आता है और कुछ तो अचानक से फालतू बोलना शुरू करता है। तू गाली बकाया है? गाली कब दी? गाली कब दी मैंने तेरे को? तूने गाली दी है? सुन नहीं रहा? ओए 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 ओए। जोगिंदर जिस हिसाब से मेरे पास चार्ज करके लिए आ रहा था, तो एक बार को मेरा मन किया कि मेरे को छोड़ो ना यार, इसको मैं बताता हूँ, साले को मैदान में आने तो दो इसको एक बार। ये सिर्फ ऐसे ऐसे करते रहता है भाई, इसकी अंदर से खोखला आदमी है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, ऐसा बन रहा क्या आपने? रुक रे, एक सेकंड छोड़, भूमिका भूमिका में तो छोड़ यार, एक सेकंड यार, जान की गाली बज जाएगी अगली बार, घर में घुस जाऊंगा नहीं तो। वो चिल्ला रहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या कर देगा? मेरा तो धक्का लग गया, मैं मानता हूँ लग गया। हाँ, यही से बात है यार, मैं भूमिका कंट्रोल कर रहा हूँ ना, जब से नाक में दम करके रखा है ना यार, सबको कर रहा है, सबको कर रहा है। मैं और बात कर लेता हूँ उससे, पूछूंगा क्या बात हुई, मैं पकड़ के ले जाऊं उससे पूछ, अगर मेरी गलती है। भाई मैं प्यार से बात करने गया था इससे, अभी भी ना, मैं अभी हाँ एक सेकंड, मैं कुछ नहीं कर रहा इधर आई बात, बड़े प्यार से छोड़ दो सही, वाशु वाशु आराम से। वहाँ खड़े थे सुबह, धक्का लग गया, मैंने बोला ओए धक्का कैसे लगा, सॉरी बोल रहा हूँ उसके पीछे, चल ठीक है, अगर मैंने नहीं बोली मार दिया मैं तेरे को सॉरी बोलूंगा ना उसके बाद, ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है, सॉरी नहीं बोली, धक्का मार नहीं बोली, चल ठीक है, सॉरी नहीं बोली। बाथरूम में आके बात करो मेरी बहन की गाली दी तूने। जब उसने मुझे दो बार धक्का मारा तब मेरे मुंह से गाली निकलनी शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, छातियां मार रहे हैं और दोनों बस भिड़ रहे। अरे चाचा बहुत देखे, समझ बात को। ये शो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मैंने बहुत कुछ छोड़ा है इस शो के लिए। दूसरी साइड ये झगड़े हो रहे हैं, टास्क अच्छे परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो मेरे को ना मेंटली एग्जॉशन हो गया था और इसलिए मेरी थोड़ी आंखें भर हैं, क्योंकि मैं कहीं पे भी इस गेम में लूज नहीं करना चाहता हूँ। भाई मानता है मेरे को, क्या हुआ भाई? मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मैं मेरे गेम पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, पता मुझे। और मैं ना लड़ाई झगड़े नहीं करने आया हूँ, ठीक है, पर मेरे से कोई फालतू बोलेगा ना ब्रो मैं किसी की सुनूंगा नहीं, ठीक है? कोई नहीं सुनता भाई, मैंने इसलिए तो गुस्सा करा भाई मैं। और ये सबको बोलता है ना मैदान में आ जाना भाई, एक दिन इसको मैदान में तू आने दे बस, उस दिन मैं प्रूव करूंगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है? मेरे को बुरा पता है इसलिए लग रहा है ब्रो, मैं यहाँ पे ना गेम खेलने के लिए आया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी से कम बैक करूँ, और ब्रो मैं करूँगा कम बैक, तू रुक जा बस। दोनों करेंगे, ठीक है, तू अकेला नहीं करेगा, ठीक है? अभी गेम शुरू हुआ है बस ब्रो, पता है मेरे को, मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ, ठीक है, मैं शो में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को मम्मी को जवाब देना है मेरी, ठीक है? अगर मेरे को कंधे पे जिम्मेदारी नहीं होती ना तो मैं सारे में इसमें रैप टमा दे जाके, ठीक है, पहली बार में। देख भाई दो बार हमसे होगी गलती, पर अभी ये चूतिया गलती नहीं करनी अपने, फिलहाल एकदम फिलहाल का देखें ना, इंपॉर्टेंट है वोट आउट, उसको फकअप नहीं करना है, अपनी अलायंस खराब नहीं करना, ठीक है? तो अभी जस्ट सचिन और जोगिंदर की लड़ाई खत्म हुई थी, उतने में देखता हूँ प्रेम और प्रियंका आपस में लड़ने लग गए। मैं मार दूंगी, पहले बता कितने साल का है तू? बोलने में ध्यान रख, नहीं बोल रहा जुक्कू, ध्यान रख, तमीज से बात कर मेरे साथ पहले। प्रेम है ना, जब हम टास्क लोकेशन पे थे तो एक क्रू मेंबर से उसने बदतमीजी से बात करी, जो मुझे लगा वो बदतमीजी थी। तमीज से बात कर पहले। कितने साल का है? 30। क्या करे अपनी उम्र से बड़ों से तमीज से बात? अरे हटना यार, मेरे को तमीज सिखाएगी जा, तू सीख क्या? तू क्या मुझे सजेशन देगी? पहले खुद को देख ले, खुद को बोलने की तमीज भी है। वो बात बात में सबके साथ झगड़े करती थी, उसका कोई भी किसी के साथ भी रिलेशन अच्छा है ही नहीं, क्योंकि उसकी जुबान इतनी कड़वी है, शायद से दवाई भी कड़वी नहीं होगी जितनी उसकी जुबान कड़वी है। अब एक क्रू मेंबर से बदतमीजी से बात कर रहा है, मैंने कहा तमीज से बात कर, मुझे कह रहा तू तमीज सीख कर। क्रू मेंबर से पूछ क्या जा, रुक जाओ बैठ जाओ, जब दो लोग बात कर रहे हो ना बीच में मत पड़, अभी बोल रहा हूं। क्या हो गया? नहीं बोलता, चुप हूँ, चुप रहने दे, टीम में मत लड़ो, मत लड़ो, तमीज से बोलियो। तू क्या कर लेगी? मैं ना, ओए प्रियंका, अरे प्रियंका, ये चीज नहीं चाहिए।
यार आप किसी को थप्पड़ नहीं दिखा सकते, आपको बोलना है आप मुझसे बोलो। आप ये कैसे डराने के और धमकाने के तरीके होते हैं, मैं तेरे को मार दूंगी। लास्ट टाइम कह रही हूँ मुझसे तमीज से बात करियो। तू बात ही मत कर। देखो बता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन? अरे रुक जा भाई। देखो बता है कौन है भाई? तू तमीज से बात कर। 9.5 लाख फॉलोअर लोग मेरे साथ फोटो खिंचाते यार। मेरी बात सुनेगा? 9 लाख फॉलोअर क्या बात हो गई यार? रुक जा। ये होता है, होता ही है। मैंने कमाई है। ये मिनट रुक, कौन मेरे को? मैंने ऑन किया ये। अरे भाई तू रस्सी पे चढ़ रही, आराम से रस्सी पे चढ़। मेरे मुंह मत लग। मेरे मुंह लगी ना तो मेकअप के साथ साथ तेरा रियल फेस दिखा दूंगा। एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने बोला तमीज की बात की। हाँ बोल, तू लड़, तू जिससे मर्जी लड़। प्लीज भाई फॉलोअर वाली बातें मत लग। सब एक जगह है ना, सब एक जगह है ना। उसको बोलो रिस्पेक्ट करेगा तो रिस्पेक्ट करे। ठीक है, आई एग्री। ओए सुन, अरे ओए 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 मेरी बात सुन। पास समझ नहीं आई, हो क्या गया? उसने 3 बार बात की, मैंने 1 बार बात की। गुंडी है तो अपने घर पे गुंडी रहे, सब अपने गली के गुंडे ही होते हैं। बट यहाँ सब मिलके रहने आए तो मिलके रहो, वरना पेल दिए जाओ। लड़ाई करने का फायदा नहीं। मैं लड़ ही नहीं रहा, मैं तो शांति से गया था, वो लड़ने आए। सामने चढ़ भी जा भाई, मेरे को बोला मरवा। मैं क्या हूँ? मैं लोग जाता हूँ ना तो हाथ काटते लोगों के, फोटो खींचते वक्त मैं गमन दिखाऊंगा। ये चीज मैंने अर्न की है, लोगों की रिस्पेक्ट मैंने अर्न की है। और ये कौन है मुझे मरवाने बोलने वाली? तू कुछ भी कर ब्रो, ये वाले टॉपिक मत उठा कि भाई मैंने कमाया है, मैंने किया। उस पॉइंट पे मैं ट्रिगर हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब हम एक शो पे खड़े हैं तो हम बराबर हैं। तू क्या हमें अकड़ दिखा रहा है? क्या कमाया तूने? क्या मैंने लोगों के दिल में रिस्पेक्ट कमाया? नेटवर्थ बोल, मेरा आगे बोल नेटवर्थ। क्या देखा नेटवर्थ भाई? मैंने तुमसे बात की, तेरी नेटवर्थ जितनी भी हो, मैंने मांगे तेरे से 1 भी रुपए, जितना दिया है भगवान ने उतने ही खुश हूँ। तू अपने पैसों का गमन मत दिखा। मैं तुझे एक चीज बोल रहा हूँ, पैसों से भले गरीब हूँ लेकिन अमीर हूँ। क्यों आया तुम? क्यों आए? तू क्यों आया? इतना बड़ा इतना बड़ा है ना, यहाँ क्यों आया? तुम क्यों आए? तेरे 950 के फॉलोअर फैन है तेरे। क्यों आए? पर तुम क्यों आए? क्योंकि मुझे फैन चाहिए। बस मुझे भी वॉच चाहिए। मत बोल, गाली मत बोल, मैं तुझे भी बोल रहा हूँ। गाली मत बोल भाई, यूनिटी सब उस लड़ाई का फायदा उठा रहे, सब हंस रहे हैं। बड़ा इंसान भाई नहीं हूँ, भाई हूँ। तुम्हें अभी तक गाली नहीं, अभी तक गाली नहीं दी। इसलिए गाली नहीं दी, गाली नहीं दी। मैं इतना इंसिगेट हो गया था कि मुझे कोई नहीं रोकता तो जरूर मेरे से पिटता। सिर्फ गलत बात करी है। मारोगे? कौन मार रहा है? वो चढ़ रहा है। 9.5 लाख फॉलोअर थे, सबके फॉलोअर थे ब्रो। एक हाथ करिए तू यार, मिलके रहो प्लीज यार। भाई मैं मार भी दूंगी और बाहर भी चली जाऊंगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मार मार, इतनी गुद्दी पकड़े मार, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मार ना, मार तो लड़ जाओ ना। अरे मत लड़ो यार, एक हाथ सिर्फ लगा दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक मत लड़ो यार प्लीज, एक हाथ लेंगे यार। लेंगे मत लड़ो यार, लेंगे मत लड़ यार। अब मैं देख लूंगा, कुछ मत देख, चल तुम मिलके रहो यार, टीम है हमारी। इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई थी हाथापाई वाली, तो कहीं ना कहीं डर था कि यूनिटी टूट ना जाए और वोट आउट में हमारा ये जो लड़ाई है वो इफेक्ट ना हो। मेरी लड़ाई जस्ट खत्म ही हुई थी, मैं थोड़ा शांत हुआ था। उसके बाद हम तैयार हुए हमारे सेकंड वोट आउट के लिए, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार आज मैं घर जा सकता हूँ, क्योंकि अगर अलायंस मेरा साथ ना दे तो ये सबसे पहला टारगेट मुझे ही करेगा। चाट खा ले चाट, दिमाग मत खाना मेरा कोई। चुप हो जा मेरे, तू भी। यार ये कौन होता है? ये कल का आया हुआ लौंडा मुझे क्यों बोलेगा चिल्लाया? और मैं उस पर तो चिल्ला भी नहीं रहा था, मैं तो जनरली कह रहा था बस कि गाइस चाट खा लो यार, बढ़िया है। मेरा ऐसा कि भाई मैं सुबह सुबह, मेरे को पसंद है कि कोई कम बोले तो अच्छा लगता है, चिल्लाओ चबड़ चबड़ करना मुझे पसंद नहीं। बोल ही रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पे बोलने से, ठीक है ना? तू कोई नहीं है चुप कराने वाला मुझे। सुबह सुबह उठा, हाँ तो सुबह सुबह तू क्या खाना चाहिए? खाना यहाँ पे तेज चलाने का मन है। अरे यार सुबह सुबह मत दिमाग खराब कर, तू पूरे दिन दिमाग खराब कर रहा है। बात कर रहा हूँ तो मैं कैसे बात नहीं कर रहा? तो बोलो मैं कैसे बात नहीं कर रहा? क्या क्या लगा हाथ, 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 क्
साले रूपा ने तेरी गाली दे दे के यहाँ पे गांड फाड़ दी है। बेवकूफ बच्चा मेरे पे चढ़ने लग गया, तू है कौन मेरे से भिड़ रहा? मैं भी भिड़ गया, क्या दिक्कत है भाई? तेरे को सुबह सुबह लड़ना है? नहीं नहीं, मैं उसे बोला अगर सुबह सुबह हो गया भाई धीरे बोल ले, मैं इसलिए बोल रहा हूं। भाई तेरी सुबह अभी हुई है, बात नहीं कर रहा वो, सबसे बात कर रहा, तो आप कौन होते बोलने वाले? सुबह सुबह तो इसमें गलत क्या बोल रहा है यार? तो मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे जोर से बोलना है, चिल्ला रहा है। अब तो उठ चुका हूँ मैं, चिल्लाने का मैंने मुझे लड़ने का दम ही नहीं है, इसका धीरे यही है। हाँ ठीक है, चाट खा चुका हो गया, और तू मेरी मत चाट, चल तेरी चाटते भी नहीं है मैं। अबे चल चटोर है, छोटा है भी नहीं। क्या क्या मांगना है हमें? क्या मांगना है बोल, मैं बता ना क्या मांगना है हमें? नहीं नहीं मैं सुनना चाहता हूँ, क्या फटती खान, क्या फटती फिर से फटेगी मेरी? टास में तो दिखी थी, कौन जीत रहा टास में? कौन जीत रहा टास में? कल हम जीते बड़ी बड़ी बातें हैं, वड़ा पाव खाते, इनसे बस बातें हो सकती है, टास्क नहीं। अगर बातें होने का कंपटीशन होता ना तो आई थिंक ये लोग जीत जाते, बट रोडीज के टास्क नहीं। पल्लवी मतलब वहाँ पे उसके सामने बोलो ना, मुझे भाई मैं बोलूंगी, बता आप दोनों के बीच में क्या एक चीज बता रही हूँ, एक चीज बता रही हूँ। जैसे कल हुआ हुआ उसने बोला कि हाँ नहीं तो, मैंने कुछ नहीं बोला ना, मुझे पता हम दोनों के माइक नहीं लगा हुआ। मैं देखती हूँ कि राजवीर प्रियंका गुप्ता से बात कर रहे हैं, मैं वहाँ पे जाके राजवीर के साइड में जाके खड़ी हो गई, और ये भी था मेरे दिमाग में कि अपोजिट गैंग मेंबर की टीम से बात चल रही है, तो पता होना चाहिए क्या चल रहा है। अब बोलो क्या बोल रहे हो? कम चौड़ा करो, बिना माइक के, माइक के साथ चौड़ा कर, बोलो क्या बोलो। और जब लोगों के जाके रोती है ना, गिड़गिड़ाती है, वो मेरे पास दिल है, मैं इस गेम में सिर्फ दिल से आई हूँ, और कुछ किसे कुछ और नहीं है मेरे पास, तो ये माइक पे बोला करो, ठीक है? और कुछ? बस तो और सुन रहे हैं, बस इतना बोला था मुझे, इतने से तो क्या और बोलो यार, मजे आ रहे हैं। और बोलो यार, मजे आ रहे हैं, और गैजम नहीं आ रहा यहाँ पे, वो तो आपको आ रहे होंगे आजकल टेंट में ना, जगह जगह सो सो के लोगों के। तो क्या हो गया उसको? तो मतलब मुझे लगता है मेरी एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है इस पूरे के पूरे शो में, बट मैं जितना उसको फनी लेके जा रही थी वो उतना ट्रिगर हो रही थी। मजे तो आ रहे होंगे आपको? ये बोल रहे कल हम इसे ये बोल रहे थे कल हम बढ़िया लगती है ना आपको? भाई तेरे को तो टास्क में देखेंगे, तेरे सामने जब तेरा मुंह खुलवाना होगा मैं टास्क के बाप को लूंगी। की दीदी दीदी अभी 30 साल की औरत तू है, मुझे कह रही है औरत हूँ मैं, तू क्या है आदमी? नजर कमजोर है, नजर कमजोर। I'm a good fucker bro, I know bro, you know bro right? उसे पता था कहाँ मैं पोक हो सकती हूँ, उसने उस हिसाब से पोक करा मुझे। आप मुझसे पंगे लोगे तो मैं भी पंगे लूंगी, ठीक है? और मैं आपसे बेटर पंगे ले सकती हूँ, और आज इसमें आप बोल भी ना पाओ है। तेरे बाप के बारे में बात करें? बाप में मत जाओ, माँ बाप को नहीं, मत बोल, पीछे हो जाओ, माँ बाप में मत जाओ, घर में मत जाओ। जो तेरा बाप तेरी माँ के साथ करता है ना, वो तू लोगों के साथ करती है। और वो क्या है? सबकी छोड़ना और छोड़ देना, और कुछ नहीं होती ना, प्रियंका गुप्ता नहीं होती यहाँ पे। मैंने बोला वो चीज सही नहीं थी, पर आप मुझसे गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे, आप मुझे इंस्टिगेट करोगे तो आप उसका पे बैक भी लोगे उसी इक्वल इमोशन के साथ। सबसे पहले तो आपको ब्रश करके आना चाहिए, आपकी मुझसे बात आ रही है। मुँह के इतने पास थे, मुझे नहीं समझ में आता कि इतने पास से कौन सी कॉन्वर्सेशन हेल्ड होती है, इतने पास से सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं। पीछे वो अपनी लिमिट में रहे, लिमिट में रहे, हाथ में कर रही है, हाथ में कर रही है, हाथ में कर रही है ना, वो उसने बस किया है, उसने टच किया है, एंड यू पोस्ट हर बैक। Hats off to Pihu that उसने उसको सहन किया and reflex नहीं दिया, because I'm pretty sure कि अगर Pihu उतना ही धक्का देती तो वो नीचे ही तो पड़ी मिलती। आंसू आ रहे हैं? कोई भी समझ आंसू आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो छोड़, वो छोड़ उसने हाथ लगाया, उसने ये किया तो भी करा, वो भी किया, उसने साथ दिया, मैंने मेरे को बात करने में कोई इशू नहीं है, तुम बात करो, कोजी क्यों हो रहे हो? मतलब अननेसेसरली एक पर्सनल डिस्टेंस होता है, तुम उसको क्यों क्रॉस कर रहे हो? बट मैंने हाथ नहीं उठाया क्योंकि दैट्स नॉट हु आई एम। तूने मेरी मॉम के बारे में क्या बोला? बाप के बारे में बोला, डैडी इशू कर रही थी ना तू, डैडी इशू है मुझे। हाँ, और तूने क्या बोला? है तो क्या हो दीदी, बोल ना मुँह पे। क्या ग्लासेस नहीं दूंगी, सॉरी बोलो, मैं दे दूंगी।
तू बोल पहले किस चीज की। सॉरी जो तूने गलतियां करी है बिना माइक के तूने आके बातें करी है लोगों से मुझसे। तेरी गांड फटी है। मैंने कोई बात ही नहीं करी। पल्लवी थी यार उस दिन। आई न्यू द ट्रुथ कि उसने ऐसा बोला क्योंकि उस जोन में सिर्फ मैं थी, प्रियंका गुप्ता एंड पीहू थे। कोई बात नहीं, मैं पल्लवी से बात कर रही हूं, आके बीच में खड़ी हो गई है। लो जाओ बुलाओ। अबे वो तेरी पपी है जैसे ये सारे हैं। तमीज से बात करो, वैसे भी आपको तमीज तो है नहीं। कपड़े नहीं है, सामान नहीं है क्या? उनकी भावनाएं इतनी ज्यादा, प्यार इतना ज्यादा वहाँ पे निकल आया कि उन्होंने अलग अलग चीजें बोली। उनके पेरेंट्स पे चली गई, पीहू के कल्चर पे चली गई, पीहू कैसी है ऐसी है। बहुत अब्यूसिव हो गया था वो माहौल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन आई स्टॉप दैट। अपने पास रखा, बात सुन। बोला पीछे हो जा, देखो बात आ रही है। तो पीछे तू क्यों नहीं हो रही, हाथ क्यों लगा रही थी? UFC फाइट करा देंगे क्या? मैं जाएगा भाई, कोई यहाँ पे तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं। मेरे गैंग को पता परफॉर्म करी नहीं करी, मेरे गैंग लीडर को पता मैं परफॉर्म करी नहीं करी। हम तो देख ही नहीं रहे। जरूरत नहीं है, तू बाहर से टीवी देख कर आई है क्या? तू बाहर से टीवी देख कर आई है क्या? हाँ आई हूँ, LCD वाला। तो भाई पहले ना अफोर्ड करना सीख लो, उसके बाद करना। भाई तू दिलवा, यही बातें चलेंगी। और कुछ और नहीं बोलो, लेवल पे क्या कर रहे हो, क्या अफोर्ड, आप क्या काम कर रहे हो पिछले 4 साल से? बचाइयो अफोर्डिंग की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। चाटते दो लोग मुझे जगह जगह जाके। गाइस कितना बन जाता आपका, बन जाता आपका और अच्छा खेलते हैं। ये ऐसी बातें नहीं, ये बातें नहीं, गंदी बातें तो जाने शुरू करिए। ऐसा कह रही है, क्या कह रही है? चलो पढ़ो, चलो तो एक चीज नहीं है तो कर रहे हो और कुछ कह रहे हो। किस 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 केस केस चिल्ला रहा है, मुझे हंसी आ रही है। मैं कहा भाई वो लड़ रहे हैं और तुमने पीछे से कह रहे किस करो, तुम्हें अकल है क्या? कहना क्या चाह रहे हो आप लोग? अरे चलना, चल चल ठीक है, बाय 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 बाय। अरे यार मिल गया आज का फ्रेंड। प्रियंका और पीहू का रिश्ता जो है ना वो सांप और नेवले जैसा है, वो एक दूसरे को बस निगलना चाहते हैं और उनका रिलेशनशिप तो एकदम फक्ड है अभी फिलहाल। मुझे लग रहा है कि भाई ये गेम खेलने नहीं, एक दूसरे के साथ खेलने आए। खुद उंगल कर रही है मुझे ये बोल के कि मैं दूसरों के टेंट में जाके सो तो नहीं रही है अपने आप को बचाने के लिए। भाई तू जेलस क्यों हो रही है? तू क्यों जेलस हो रही है? तभी तो मैं नहीं गई ना उसके पास, सबको दिख रहा है आज पूरे उसमें खुद आके मुझसे बात कर रही है। भाई बहुत गुड यार, बहुत अच्छा हैंडल किया है आपने, सुन सब हमें सब बता। प्राउड ऑफ यू यार। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, रिलैक्स, यू आर नॉट रॉन्ग। ओके पता है उसे, पता है मुझे, पास ठीक है। मैंने रोया यार, मैं सिर्फ यही कर सकती थी और फिर दिल हल्का किया और डिसाइड किया है कि अब इस पे वापस नहीं रोऊंगी।